अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, वेलकम टू कुक विद मी। क्या हाल है सबके? सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। आज की हमारी रेसिपी है सैंडविच चिकन। इसलिए सबसे पहले हमने चिकन लिया हुआ है, इसको बॉईल करेंगे। बॉईल के बाद इसके श्रेड करेंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं जो हम सैंडविच में ऐड करेंगे, और मोज़रेला चीज़ एंड विप क्रीम, ये मुझे गिफ्ट मिला था। इसको हम कट करेंगे चकोर पीसेस में। इसी तरह टोमेटोस को, अनियन को हम लोग कट कर देंगे, और ग्रीन चिली इसको भी इसी तरह हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। पैन चूल्हे पे मैंने रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया हुआ है, मीडियम है। ऑयल 3 टेबलस्पून है। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, 1 टेबलस्पून फ्लावर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से सौते करूंगी। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। पेस्ट हमारी काफी थिक हो गई है। अब इसमें चिकन श्रेड किया हुआ ऐड करूंगी। इसके बाद अनियन ऐड करूंगी, अनियन के बाद कैबेज ऐड करूंगी जो हमने पहले डाइस में काटी हुई थी, एंड टोमेटोस के बाद ग्रीन चिलीज चॉप की हुई हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, आप सॉल्ट एज रिक्वायर्ड ऐड करिएगा। दैट ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, इसमें गरम मसाला जाएगा। आफ्टर 1 मिनट कुक के इसमें 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून ओरिगैनो इसके अंदर जाएगा। बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइसेस की साइड्स मैंने रिमूव कर दी हुई हैं। अब मैं इसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगाऊंगी। पिज्ज़ा सॉस मैंने लगा दी है, इसके बाद मैं इसके ऊपर बैटर लगाऊंगी, और इसी तरह सारे जो है हमारे सैंडविचेस उसके ऊपर मैं बैटर लगा दूंगी। मिक्सचर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ भी लगा दी हुई है, और इसी तरह बाकी के ऊपर भी मैं चीज़ लगा दूंगी, और इसको जो है मैं सेकेंड स्लाइस से इसको बंद कर दूंगी। इसको मैंने ग्रीस किया और इसके अंदर सैंडविच रख दी है। अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। थी आज की रेसिपी चिकन चीज़ लोडेड सैंडविच। होप सो आपको पसंद आई होगी। आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।